दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ नई नवेली मारुति फ्रॉन्क्स जो इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है, उसमें ऐसे 7 फीचर आपको नया या फिर एक्स्ट्रा मिलेगा जो आपको सेगमेंट लीडिंग एसयूवी टाटा नेक्सॉन में देखने में नहीं मिलेगी। तो कौन कौन से फीचर है आइए जानते हैं। तो नंबर 1 जो फीचर आपको एक्स्ट्रा मिलेगी फ्रॉन्क्स में वो है साइड एंड कार्टेन एयरबैग्स। आपको फ्रॉन्क्स में टोटल 6 एयरबैग का सपोर्ट मिलेगी ड्यूअल फ्रंट एयरबैग्स के साथ साइड और कार्टेन एयरबैग्स, जो आपको नेक्सॉन में नहीं मिलता। नेक्सॉन में आपको सिर्फ ड्यूअल एयरबैग्स का ही सपोर्ट मिलता है। दूसरे नंबर पर जो फीचर आपको फ्रॉन्क्स में एक्स्ट्रा मिलेगी वो होगी 360 डिग्री कैमरा। ये आपको फ्रॉन्क्स में मिलेगी लेकिन टाटा नेक्सॉन में आपको ये फीचर देखने में नहीं मिलता। टाटा नेक्सॉन में सिर्फ आपको पार्किंग कैमरा देखने में मिलेगी, 360 डिग्री कैमरा का कोई भी फीचर आपको नेक्सॉन में देखने में नहीं मिलता। नंबर 3 पर जो फीचर आपको फ्रॉन्क्स में मिलेगी वो है हेड अप डिस्प्ले, जो आपको नेक्सॉन में देखने में नहीं मिलता। हेड अप डिस्प्ले का जो असली यूज है वो यही है, आपके डैशबोर्ड के ऊपर एक डिस्प्ले होगा जहां पर प्रोजेक्शन होगा कार के MID का जो इन्फॉर्मेशन है वो, जिसकी वजह से आपको सिर को नीचे झोंका कर वो इन्फॉर्मेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हेड को सीधा रख कर ही वो इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हो, इसीलिए इसको कहते हैं हेड अप डिस्प्ले, जो आपको फ्रॉन्क्स में मिल जाएगी लेकिन नेक्सॉन में नहीं मिलेगी। नंबर 4 LED हेडलैम्प। आप अगर मारुति फ्रॉन्क्स के टॉप मॉडल को परचेस करते हो तो यहाँ पर आपको LED हेडलैम्प देखने में मिलेगा जो टाटा नेक्सॉन में देखने में नहीं मिलता। टाटा नेक्सॉन जब से इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई है कंपनी ने इसके हेडलैम्प में कोई भी LED सेटअप नहीं दिया है, चाहे आप टॉप मॉडल ही परचेस क्यों ना कर लो। इसके अलावा टाटा नेक्सॉन की हेडलैम्प की क्वालिटी कोई अच्छी नहीं है। ज़्यादातर कस्टमर इसके हेडलैम्प के क्वालिटी से परेशान रहते हैं क्योंकि उतना अच्छा विजिबिलिटी ये नाइट में नहीं दे पाती। तो ये प्रॉब्लम आपको फ्रॉन्क्स में देखने में नहीं मिलेगी, आपको अच्छी खासी विजिबिलिटी इसके LED हेडलैम्प में देखने में मिल जाएगी। नंबर 5 पर जो एक्स्ट्रा फीचर आपको फ्रॉन्क्स में मिल जाएगा वो है टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, मतलब आप स्टीयरिंग को अपने करीब ला सकते हो, जो आपको नेक्सॉन में नहीं मिलेगा। नेक्सॉन में आपको सिर्फ स्टीयरिंग टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ मिलेगी, टेलीस्कोपिक के साथ नहीं मिलेगी, लेकिन फ्रॉन्क्स में आपको टिल्ट के साथ टेलीस्कोपिक का भी सपोर्ट मिल जाएगा, जो इसको अलग बनाती है नेक्सॉन के मुकाबले। नंबर 6 पर आपको जो एक्स्ट्रा फीचर मिलेगा वो है पैडल शिफ्टर। देखो मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स में आपको जेन्युइन 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने में मिलेगा, और ज़्यादातर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गाड़ियों में आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं ज़्यादा सहूलियत के लिए, लेकिन नेक्सॉन में आपको कोई भी ऑटोमेटिक देखने में नहीं मिलता। आपको सिर्फ AMT का सपोर्ट मिलता है, और जब आप 10 लाख के ऊपर के बजट को खर्च करोगे तो आपको जेन्युइन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के तरफ ही जाना चाहिए, ना कि AMT के तरफ जाना चाहिए, क्योंकि AMT वही मैनुअल गियरबॉक्स ही है, उसमें सिर्फ एक कंप्यूटर ऐड कर दिया गया है जिसके वजह से गियर वो अपने आप फैला लेता है, इसी के वजह से वो थोड़ी बहुत ऑटोमेटिक का काम कर देती है, लेकिन हाँ वो जेन्युइन ऑटोमेटिक नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा लैग फील होगी, जो टाटा नेक्सॉन को एक अच्छी गाड़ी नहीं बनाती लेकिन फ्रॉन्क्स को एक अच्छी गाड़ी बना देती है, क्योंकि फ्रॉन्क्स में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलने वाला है। नंबर सेवन में आपको जो फीचर मिलेगा वो है 9-inch टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम। आपको मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स में मिल जाएगी लेकिन टाटा नेक्सॉन में बहुत ही आउटडेटेड पुराना 7-inch का टचस्क्रीन मिलेगा, जिसको कंपनी ने अभी फिलहाल अपडेट नहीं किया है। तो यहाँ पर भी आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है, मारुति फ्रॉन्क्स में आपको एक बड़ा वाला टचस्क्रीन मिल जाता है। और नंबर 8 पर जो एक्स्ट्रा फीचर आपको मारुति फ्रॉन्क्स में मिलेगा वो है वायरलेस एंड्रॉयड एंड एप्पल कनेक्टिविटी। पहली बार ये फीचर आपको हुंडई के गाड़ियों में देखने में मिला था, उसके बाद ये फीचर आपको निसन मैग्नेट में देखने में मिला था, और अब मारुति फ्रॉन्क्स में भी आपको ये वायरलेस एंड्रॉयड एंड एप्पल कनेक्टिविटी मिल जाएगी। ये फीचर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, डेली ड्राइव के दौरान आप फोन को बिना वायर कनेक्ट किए ही यूज़ कर सकते हो एंड्रॉयड और एप्पल कनेक्टिविटी के लिए, लेकिन ऐसी कोई भी फीचर आपको नेक्सॉन में नहीं मिलता। नेक्सॉन में आपको वायर के थ्रू ही एंड्रॉयड और एप्पल कनेक्टिविटी मिल सकता है। तो दोस्तों ये थे वो टोटल 8 फीचर जो आपको मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स में मिल जाएगा लेकिन टाटा नेक्सॉन में देखने में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।